हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। उससे पहले हम क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों एक ट्रेन की पिक्चर दिखाई गई है आपके सामने, आपको इसको कलर करना है। तो आइए अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं। बच्चों ये लेसन जो है एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसके फादर उसको ट्रेन में सोता हुआ छोड़ गए थे अपनी गरीबी की वजह से। वो इतने ज्यादा गरीब हो गए थे कि उन्होंने अपने बच्चे को ट्रेन में सोया हुआ छोड़ दिया। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी किस तरह से हुआ। तो रोबिन जो है पुणे के लिए ट्रेवल कर रहा था ट्रेन में अपनी फैमिली के साथ, समर हॉलीडेज बिताने जा रहा था वो वहां पर। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश था इसके बारे में। एंड उसने बहुत सारे प्लान बनाए थे कि वो वहां जाकर इस ब्रेक में जो जो करेगा। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग अप लेट। वो सोच रहा था कि छुट्टियों में जैसे आप सब लोग सोचते हैं कि देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, और वो सोच रहा था ही थॉट अबाउट द गुड ट्रीट्स दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर हिम। वो सोच रहा था उसकी दादी उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे छुट्टियों में। तो रात को जब उसके पेरेंट्स जो थे वो बर्थ पर सो गए थे ट्रेन में गहरी नींद में, तो उसने क्या किया, एक लोअर बर्थ पर, उसके नीचे की बर्थ पर एक विस्पर, फुसफुसाने की आवाज सुनी। तो रॉबिन ने अपनी छोटी सी टॉर्च को जला करके देखा कि वहां पर क्या हो रहा है। तो अचानक उसने एक छोटा सा लड़का देखा जो कि फर्श पर सोने की कोशिश कर रहा था, जो दो बर्थ के बीच की जगह होती है वहां पर। द बॉय लुक्ड स्केयर्ड एंड हंग्री। वो जो लड़का था वो बहुत ही डरा हुआ और भूखा दिख रहा था। तो रॉबिन ने उसके पास कुछ बिस्किट्स थे उसको ऑफर किए एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग। रॉबिन ने पूछा व्हाट इज योर नेम एंड हाउ ओल्ड आर यू, व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। तो बॉय ने जवाब दिया कि मेरा नाम, उसका नाम सिद है और वो 10 इयर्स का है और वो पुणे जा रहा था। रोबिन ने पूछा लेकिन उसके पेरेंट्स कहाँ है। तो सिद बोलता है कि उसको नहीं पता, कि वो उसको याद नहीं है। व्हाट डू यू मीन यू डोंट रिमेम्बर योर पेरेंट्स। तो रोबिन पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें याद नहीं है। तो फिर वो कहता है रिप्लाई में कि मेरे फादर मुझे ट्रेन में सोता हुआ छोड़ गए थे कई साल पहले। तो रोबिन ऐसा सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कहता है सी आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज, कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूँ और मुझे नहीं याद है, अपने गांव का नाम भी नहीं याद है। एंड आई हैड 3 brothers and 2 sisters। हम लोग बहुत गरीब थे और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि वी आर गोइंग टू द बिग सिटी टू फाइंड अ जॉब टू ब्रिंग बैक सम मनी, कि हम बड़े शहर में जा रहे हैं कुछ काम करेंगे और कुछ पैसा लेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसकी पहली ट्रेन की जर्नी थी। और वो जब वो घर से निकले तो उसकी माँ ने उसको हग किया, गले लगाया, और वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो उसके फादर ने कहा कि देन माई फादर एंड आई सेट ऑन ए ट्रेन। तो वो बच्चा बताता है, सीट बोलता है कि वो और उसके पिताजी फिर ट्रेन में बैठ गए। और जब वो सुबह को उठा ट्रेन में तो उसने देखा कि वो अकेला था और उसको उसके फादर नहीं मिले। तो रॉबिन वॉज टेकन अबैक, उसने बहुत ही सैडली सोचा, वो से बहुत दुख हुआ। उसने बोला क्या तुम्हारे फादर तुम्हें इस तरह से छोड़ गए, हाउ डिड व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। तो वो बोला मैं ट्रेन से उतरा और मैंने अपने पापा को स्टेशन पर देखने की कोशिश की, रात हो गई एंड आई स्टिल कुड नॉट फाइंड हिम। देन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड सैट इन ए कॉर्नर टू हाइड फ्रॉम द स्टेशन मास्टर। अब उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो खो गया था। तो अगले दिन आई मेट अनदर स्मॉल बॉय, उसे दूसरा कोई छोटा लड़का मिला जो भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर पेपर सोप बेच रहा था, सिद ने ऐसा बताया रोबिन को। विद अ लिटिल साय सिड कंटिन्यू, एक रात सांस भरते हुए सिद ने आगे बोला कि उसका नाम टॉम था और उसने मुझे ढूंढा एंड वो उसे मिल गया और वो उसे उस ऐसी जगह ले गया जहाँ पर उसके जैसे और भी बच्चे थे। तो सम ऑफ देम हैड गॉट लॉस्ट, कुछ खो गए थे, कुछ अपनी फैमिली से भाग गए थे और कुछ की फैमिलीज ने उनको छोड़ दिया था। तो रॉबिन ने पूछा व्हाई वुड ए फैमिली डू दैट टू देयर ओन चाइल्ड, कि एक परिवार अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो कहते हैं उसके बहुत सारे कारण है, हम में से बहुत सारे गाँव से आते हैं, कुछ जो है जो अपने पेरेंट्स द्वारा बेचे जाते हैं, कुछ होते हैं जिनके पास इतना बड़े परिवार होता है लेकिन उनको उसको देखभाल करने के लिए इतने पैसे नहीं होते हैं। सम पेरेंट्स आर ट्रिक्ड इनटू इट, सिद ने ऐसा बोला। तो बट हाउ कैन द पेरेंट्स बी ट्रिक, लेकिन पेरेंट्स कैसे धोखा कर सकते हैं। तो आई हैव 8 friends टू होम दिस हैज हैपेंड। वो कहते हैं मेरे 8 दोस्त है जिनके साथ ऐसा हुआ, उनके फादर या आंट
जो थे वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे, वो पर्सन उनसे मतलब उनकी फैमिली से वादा करता था कि उन्हें उनके बच्चों को एक अच्छा जीवन देगा, और वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते थे, या फिर और गिव देम हाउसेस टू लिव इन, या उनके घर में वो रहने के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाते थे। अब उसके दोस्त जो थे वो उस पर्सन से द्वारा दूर ले जाए जाते थे, उनको फोर्स किया जाता था फैक्ट्री में काम करने के लिए। तीन जो थे, थ्री ऑफ देम वर सिंपली सोल्ड टू अदर एम्प्लॉयर्स, तो तीन जो थे वो दूसरे एम्प्लॉयर्स को बेच दिए गए। दो फ्रेंड्स जो दूसरे थे वो उनके फादर जस्ट उन्हें ट्रेन में छोड़कर चले गए, ऐसा सिद ने उसे बताया। तो रोबिन पूछता है कि ऐसा व्हाट हैपेंस टू देम, कि उनके साथ क्या हुआ। तो उसने बोले लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें, अक्सर ज्यादातर बुरी चीजें होती हैं हम लोगों के साथ, कि कुछ जो होते हैं हम में से वो गलियों में गाना गाते हैं, डांस करते हैं, यू कैन सी चिल्ड्रन डांसिंग इन द मिडिल ऑफ रोड, या ट्रैफिक सिग्नल पर चीजें बेचते हुए आप देख सकते हो। तो एट टाइम्स स्मॉल चिल्ड्रन गेट लॉस्ट, जब छोटे बच्चे खो जाते हैं, तो टू सर्वाइव दे ज्वाइन अदर चिल्ड्रन हु वर्क। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरे बच्चों को जो काम करते हैं उनको जो उनके साथ जुड़ जाते हैं। बट वॉट काइंड ऑफ वर्क कैन स्मॉल चिल्ड्रन डू, रोबिन पूछता है कि लेकिन किस तरह का काम कर सकते हैं छोटे बच्चे। तो एक दुखी स्माइल के साथ सिड बोलता है कि मैनी थिंग्स, लेकिन ज्यादातर जो होती है उनमें से इलीगल होती है। तो वो कहता है मैंने भी एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया जहाँ पर सिल्क बनती थी। तो वी आर मेड टू वर्क इन फैक्ट्री दैट मेक क्रैकर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड सारी फैक्ट्री। तो रोबिन उससे पूछता है बट इजंट इट डेंजरस, क्या इसमें खतरा नहीं है। वो कहता है हाँ इसमें बहुत खतरा है, तो हमें वहां पर काम करने के लिए, ऐसे हॉरिबल कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। वी वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, हमें कई कई घंटों तक काम करना होता है, लगभग एक दिन में 16 घंटों तक। तो देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर नॉट गिवन फ्रेश फूड टू ईट, बहुत सारे बार हमें अच्छा खाना भी नहीं मिलता खाने को, एंड आई हेटेड बीइंग पनिश्ड, और मुझे वो पनिशमेंट मिलती थी कि यदि कुछ गलत हो जाता था या कुछ काम जल्दी करना है मैं नहीं कर पाता था, तो मुझे पनिशमेंट भी मिलती थी। बट वी कांट डू एनीथिंग, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे, वी आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में अकेले थे। सो वी स्टे वेयर एवर वी गेट सम मनी, फूड एंड प्लेस टू स्टे, इसलिए हम वहां रुक जाते थे जहां हमें कुछ पैसा मिलता, कुछ खाना मिलता या रहने की जगह मिल जाती। तो वन थिंग्स गेट बैड, जब चीजें इतनी खराब हो गई तो हम एक दूसरी जगह पर भाग जाते थे, सीट ने बोला। मैंने सुना है कि दैट इट इज अगेंस्ट द लॉ टू मेक चिल्ड्रन वर्क, कि बच्चों से ऐसे काम करवाना कानूनी अपराध है, लेकिन ऐसा होता है, नोबडी केयर्स फॉर अस, ही फिनिश्ड। तो कहते हैं तुम खाते क्या हो, तो वेल इट डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम, इट डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पर हूँ। कभी कभी आई गो हंग्री, मैं भूखा ही चला जाता हूँ। यदि मैं एक चाय के स्टॉल पे काम कर रहा हूँ, तो उसका जो मालिक होता है वो जो उसका बचा कुचा खाना होता है वो उसको दे देता है। समटाइम्स ही हैव टू लुक फॉर फूड इन द गार्बेज। तो रोबिन पूछता है कि क्या तुम्हें अकेला नहीं महसूस होता। तो सिद अपनी आंखों में आंसू भरते हुए पूछता है कि बहुत ज्यादा, आई मिस माई फैमिली, आई हार्डली रिमेम्बर वॉट दे लुक लाइक, मुझे मुश्किल से याद है कि वो कैसे दिखते थे। बहुत लंबे समय से मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे याद भी नहीं है कि वो कहाँ रहते थे, और मैं अपने मदर के गले लगने को बहुत मिस करता हूँ। तो कहता है व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन पुणे, रोबिन क्यूरियसली पूछता है कि तो तुम पुणे क्या करने जा रहे हो। कहता है पुणे एक बड़ा शहर है, व्हेन इट गेट्स कोल्ड इन दिल्ली, जब दिल्ली में ठंड होती है तो कुछ हम में से पुणे आ जाते हैं। तो देर आर मिलियन ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, लाइक अस यू नो, तो वी विल फाइंड समथिंग टू डू, हम कुछ ना कुछ करने के लिए ढूंढ लेंगे। सोन इट वॉज मॉर्निंग एंड रोबिन पेरेंट्स वर गोइंग टू वेक अप, अब सुबह होने हो रही थी तो जल्दी रोबिन के पेरेंट्स भी उठने ही वाले थे। तो शिद कुड बी कॉट फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, शिद को डर था कि वो बिना टिकट पकड़ा जा सकता है और ट्रेन से बाहर फेंका जा सकता है, तो इसलिए उसने वो ट्रेन से उतर के चला गया। बिफोर शिद एस्केप, इससे पहले कि शिद जाता, रोबिन ने उसको कुछ खाना दिया जो उसके बैग में था, एंड हिज फेवरेट टॉय टू रिमेम्बर हिम बाय, और उसका जो फेवरेट खिलौना था वो उसने उसको दे दिया ताकि वो उसको याद रखे। कुछ ही घंटों में रात हो गई, एंड नाइट द होल वर्ल्ड ऑफ रोबिन एंड चेंज, मतलब उस कुछ ही घंटों की रात में रोबिन का पूरा दुनिया बदल दी। ही वॉज सडनली अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स, उसे अचानक से बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला जिनको वो पहले कभी नहीं सोचता था। ही न्यू दैट व्हेन एवर ही सॉ अनदर पुअर किड ऑन द स्ट्रीट ही वुड रिमेम्बर सिड, जब कभी भी वो गली में किसी दूसरे गरीब बच्चे को देखता था तो उसे सिड की याद आ जाती थी। तो बच्चों इस कहानी से क्या मोरल सीखने को मिलता है, कि स्मॉल फैमिली इज हैप्पी फैमिली, एक छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, और एक बड़े परिवार जो होता है वो हमेशा गरीबी को दावत देता है। थैंक यू।